आज मैंने गुजरात प्रदेश गुजरात कांग्रेस के हर पदों से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हर पदों से और प्राथमिक सदस्य से मैंने आज रेजिग्नेशन दिया है। और साथ साथ जो मैं आज जिस पार्टी की टिकट से एमएलए बना था, वो पोरबंदर के धारा सभ्य पद से भी मैंने इस्तीफा दे दिया है। मैं जब से स्टूडेंट्स था, विद्यार्थी था, तब से लेकर आज तक मैं कांग्रेस से जुड़ा था और ब्लॉक कांग्रेस से शुरू करके मैं विधानसभा विरोध पक्ष के नेता और प्रदेश का अध्यक्ष भी बना था। मैंने पार्टी को खून पसीना देकर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस कल्पना से मैं कांग्रेस ज्वाइन किया था कि मैं कांग्रेस में रहकर मैं आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन जनता में ला पाऊंगा, हमें आज़ादी तो 1947 में मिली थी, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें राजकीय आज़ादी मिली है लेकिन आर्थिक और सामाजिक आज़ादी बाकी है। ये लाने के लिए मैं काम कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने, मेरी पार्टी ने जनता से लगाव से दूर चली गई है, और इसके बारे में मैं कई दफ़ा मैंने ध्यान आकर्षित किया था लेकिन मैं उसमें विफल रहा। फाइनली विथ हैवी हार्ट मैंने आज तमाम पदों से और प्राथमिक सदस्य से मैंने इस्तीफा दिया है। और मैं अभी तक की जो मेरी पॉलिटिकल जर्नी थी उसमें सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जनता से विमुख पार्टी किस कैसी तरह हुई है, ये बात मैंने ओपनली जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का जब इनविटेशन मिला तब मैंने ओपनली कहा था। मैंने हर प्लेटफॉर्म पर अपनी बात तो रखी थी लेकिन उस समय तो ओपनली बात करके ये कहा था कि ये हमने जो जनता की आकांक्षा है, इच्छा है, उससे विरुद्ध का हमारा स्टैंड है। हम भी चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बने, और उस फैसले के बाद मंदिर बना था तो ये जनता की भावनाओं को आहट नहीं पहुंचानी चाहिए थी, लेकिन उस समय भी ये बात नहीं मानी गई। और फाइनली उसके सिवा भी बहुत सारे इश्यूज थे, मैंने हर दफ़ा अपनी बात रखने की कोशिश की लेकिन मैं उसमें सफल नहीं रहा। फाइनली मैं आज रेजिग्नेशन देकर मैं कांग्रेस के साथ जो मेरी जिम्मेदारियों थे उससे मैं मुक्त हो रहा हूँ।